तो एक चीज हम समझना चाह रहे हैं, चाहे हम कोई भी टूर पाथ लेते हैं इनमें से, 2D का चाहे 3D का, तो एक चीज हमारे को फेस करनी पड़ती है, ये वाली विंडो, वायर फ्रेम चेन। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को इसमें दिक्कत आती है कि कोई कर्व चेन सेलेक्ट कैसे करें, या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, चेन एक बार में सिलेक्ट नहीं हो रही तो क्या करूं, अगर कोई गैप आ रहा है कहीं पे तो क्या करें, और ये सारी ऑप्शंस का क्या मतलब है, वो समझने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत आसानी से कोई भी वीडियो देखने का तरीका क्या होता है, कि पहले आप वीडियो देख लो एक बार, फिर उसको साथ साथ देखो, साथ साथ करो, मतलब तो 10 सेकंड की वीडियो देख के 10 सेकंड का अपने कंप्यूटर पर, फिर 10 सेकंड की देख के फिर 10 सेकंड, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद एक बार दोबारा करो। अब वीडियो नहीं देखनी, अब अपने आप करनी, जहां पे फंसो फिर वो वीडियो देखो। ठीक ठीक है, 3 बार हो गया, तो है, जहां फंस गए वहां वीडियो देख लिया। जब तक सारी ठीक ड्राइंग आप अपने आप नहीं बना लेते, अगर एक बार भी वीडियो में से देखने की जरूरत पड़ गई तो वो ड्राइंग मेरी होगी। ठीक है, फिर वो आपकी नहीं रही। ठीक है, तो ये प्रोसेस फॉलो करा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब मैं कोई टूर पाथ लेता हूँ, कंटूर बना, कंटूर में यहाँ पे ऑप्शन है वायर फ्रेम, यहाँ पे ऑप्शन है चेन। इसका मतलब क्या है कि जिस भी क्लिक, जहां पे भी मैं क्लिक करूंगा तो वहां पे वायर फ्रेम चेन आने लगे। ठीक है, ये देखो, ये 2 एरो क्यों आ रहे हैं? अगर 2 एरो आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? यहां से तो शुरू हुआ, ये खत्म यहाँ पे जाके हुआ, ये आपस में मिले नहीं हुए। हाँ, मजरी मिले तो हुए हैं पर वो आगे जा रही है लाइन, तो मुझे इस लाइन को ट्रिम करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म नहीं, सॉरी, टूल पाथ, कंटूर, यहां से वायर फ्रेम है, यहां से चाहिए, इस पर क्लिक करूंगा तो ये हमारे को एक ही बार में सिलेक्ट। अगर एक ही कलर का एरो आ रहा है, ग्रीन कलर का, तभी ठीक है। ठीक है, बात समझ आ गई। तुम कई बार क्या होता है कि यहां से 2 लाइनें जा रही, ठीक, तो जब मैं कंटूर करता हूं तो यहाँ पे जाके रुक जाता है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि किधर जाना है। अब ऐसा नहीं है कि वायर फ्रेम चेन ही खत्म हो गई, चेन अभी चल रही है। अगर मैं ये ब्लू एरो पे क्लिक कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली एक ही कलर का एरो है, और अगर मैं रेड वाला दे दूं तो वो इधर को चला। तो यानी कि ये ठीक दोनों एरो हमारे को क्या दिखा रहे हैं, ये हमारे को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जाने के कई रास्ते हैं, मान लो 3 हो अगर, तो जब मैं चेन में जाऊंगा तो 3 एरो आएंगे। क्या आपको किस साइड जाना है? ठीक है, समझ आएगी बात। मतलब अगर वायर फ्रेम चेनिंग में चेन पूरी क्लोज लूप नहीं है, या उसमें से कोई और नोड भी निकलता है ना, तो वो वहां पे जाके रुक जाएगी। अगर मान लो बीच में से कर दे वहां करना, और फिर कंट्रोल करने की कोशिश करूं, तो फिर उसको नहीं पता लगता। कॉर्नर में उसको पता लगता है, यहां पे उसको नहीं पता लगता। अच्छा, अगर वो सेक्शन हो, मतलब बिल्कुल काटता हाँ, हो, मैं वही वही रुको, अब क्योंकि ये सिंगल लाइन है इसलिए नहीं उसको पता लगा। अगर मैं इस वायर फ्रेम को ब्रेक इनटू 2 पीसेस कर दूं और कंट्रोल करूं इसको, तो ये देखो यहाँ पर ठीक उसको है। रेड वाले एरो पर क्लिक कर दो। कई बार क्या होता है, लाइन के ऊपर लाइन लगी हुई और मुझे नजर नहीं आ रही, तो भी ये चीज होती है कि जब मैं कंटूर करूंगा वहां जाके 2 एरो आए, तो उसको नहीं समझ में आ रहा कि इसको सिलेक्ट करना है या इसको सिलेक्ट करना है।
ये बड़ा एरो एक है, एक छोटा एरो है, छोटा एरो छोटे के लिए, बड़ा एरो बड़ी लाइन के लिए। एक गड़बड़ और हो जाती है कि जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ है ना, रेड वाले पे, रेड वाले पे, रेड वाले पे, तो ये उल्टा हो गया डायरेक्शन। हाँ, ये डायरेक्शन उल्टी हुई थी। हाँ, तो यहां से करने क्लिक करने की बजाय आप ये वाले रेड को दबाओ, अच्छा, ये बैक के लिए, ये फॉरवर्ड के लिए, ठीक है, बैक करके ब्लू वाले पे क्लिक, ब्लू वाला चेन के लिए, रेड वाला डिफरेंट लाइन के लिए। अगर ध्यान से दोबारा देखें तो जब मैं यहाँ पे था, जब मैं इधर को जा रहा था तो ब्लू इधर को जा रहा है, रेड इधर को जा रहा है, ठीक है। तो आपको सेलेक्ट करना है कौन सा चल, ब्लू किया तो ये पूरी चेंज। ठीक अब कंटूर में एक और प्रॉब्लम होती है कि जब मैं चेनिंग लेता हूं, अगर एरो का मुंह इधर को है तो टूल जो चलेगा वो इधर को चलेगा, मतलब जो जिधर को एरो की डायरेक्शन थी। है। अगर मैं ज्योमेट्री में जब डायरेक्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहां से मैं अगर रिवर्स कर दूं, ठीक है, रिवर्स कर दिया, रीजनरेट कर दिया, तो टूल जो है उधर से चलेगा, ठीक है। ठीक है। जब कोई ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड जगह आ जाती है, चलो कॉम्प्लिकेटेड को बाद में सोचेंगे, यहाँ पे है सिंगल करो। अब अगर मैंने गलती से ये सिंगल करके ये चेन को सिलेक्ट किया, तो एक ही चेन सिलेक्ट होगी, फिर वो सारी भी सिलेक्ट होगी, कंटिन्यू नहीं रहेगी वो। और अगर मैंने इसके साथ इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, इसको भी कर लिया, तो ये देखो टोटल छह छह चेन हो, तो ठीक ये सब अलग अलग बन रहे हैं, मतलब पहले वाले का दूसरे से कुछ लेना देना नहीं, अच्छा, वो सिंगल सिंगल चेन करके चार चेनें अलग अलग चल रही, समझ रहे बात। कमल जी को इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लकड़ी में, लकड़ी में हम चाहते होते हैं कई बार टूल उठाना ऊपर, अगर हम चारों तरफ से काट देंगे वो तो नीचे गिर जाएगा, समझ रहे हो। एक कोई बॉक्स है उसको मैं चारों तरफ से काट दूंगा तो वो बीच वाला तो नीचे गिर जाएगा, हाँ जी, तो मुझे कहीं से हाँ बीच में जी, से उठाना पड़ेगा, हाँ जी, समझ रहे हो बात में मेरी। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरी चेन नहीं सिलेक्ट करूंगा, ओ सॉरी, मैं बीच में ब्रेक कर दूंगा लाइन, मतलब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा के यहाँ से ऐसे छोटा सा ब्रेक कर दूंगा, तो इसको इस पॉइंट से ब्रेक कर दो, और ये जो है इसको इस पॉइंट से, ये यहाँ पे दो हो गई, ठीक है। तो मैं बाकी की चेन तो सिलेक्ट कर लूंगा कंटूर में, आप सर समझ रहे लकड़ी क्यों मैंने ऐसे किया, लकड़ी में क्या, लोहे में भी ऐसे किया, हाँ, नहीं, मैं समझता हूँ उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने के लिए कि हाँ उसको पूरा गिर, सपोर्ट कृष्णा देना, नहीं तो नीचे नीचे गिरे, ही ना गिर जाए। हाँ नीचे गिर गिरने। हाँ तो मैंने इसको अलग कर लिया और फिर यहां से खत्म हो जाती है ये, ओके है भाई, ये वाली चेन खत्म हो गई, ओके, फिर अगली ले लो सिंगल करके। वो बीच में थोड़ी सी जगह छोड़ दी मैंने, इतने को अलग चला लिया, उसको अलग चला। तो इसमें समझने वाली बात क्या थी, इसमें समझने वाली बात ये थी कि जब मैं चेन लेता हूँ, सिंगल करता हूँ, तो सिंगल कलर सिलेक्ट होती है,
और इसको ओके कर देता हूँ तो दूसरी कर्व सिलेक्ट होती है, फिर इसको ओके कर देता हूँ फिर तीसरी कर्व सिलेक्ट होती है, फिर ओके कर देता हूँ। ओके वैसे करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि सिंगल है, ये सारी अलग अलग सिलेक्ट हो रही है। यहाँ पे देखो लिखा है 7 चेन सिलेक्ट। और अगर मैंने चेन भी किया है, मान लो चेन करके यहाँ पे कर लिया, ठीक है, मैं कह रहा हूं आधा इधर से चले आधा इधर से चले, तो यहां से एंड चेन करके भाई ये चेन खत्म हो गई, अब दूसरी चेन। ठीक है, फिर ठीक है, दो चेन सिलेक्ट हो, तो आधा इधर से चलेगा आधा उधर से चलेगा। सर जो ये डायरेक्शन आप बता रहे हो ये सिर्फ कंटूर में ही होती है या कोई और ऑपरेशन में भी मैं कंटूर ऐसे ही सिखा होती ही है? नहीं रहा, मैं कंटूर नहीं नहीं सिखा नहीं रहा, मत मैं तो नहीं वायर नहीं, से, नहीं। नहीं वो मुद्दा भटक जाएगा फिर। हाँ अच्छा हाँ वो हम आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जाएंगे, वो सब में होती है। अच्छा आपके वो क्वेश्चन का जवाब ओपन है है। कि अच्छा सब में है। हाँ ठीक है। मल्टी एक्सेस में भी है, सब जगह है। ठीक है, तो इससे हमारे को पता लग गया ओके हो जाता है, मतलब एक चेंज जो मैं करार कर रहा हूँ सेलेक्ट खत्म हो जाती, फिर ठीक है। दूसरी सिलेक्ट होने लग जाती है। और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सेकंड चेन शुरू होगी। ठीक है, अगर मान लो गलती से मैं चेन सिलेक्ट कर रहा था, मेरे से गलती से कोई गलत सिलेक्ट हो गई, मुझे ये नहीं चाहिए, तो यहाँ से अनसेलेक्ट कर दो, माफी कर दो, मैं दोबारा करूँ। ठीक है, तो किसी और को सिलेक्ट कर सकते, अनसेलेक्ट करके किसी और पे क्लिक कर सकते, अनसेलेक्ट करके किसी और। ठीक है, तो वो पहले वाले को छोड़ देगा, और कई बार क्या है मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब ये रेड वाला है, रेड पे जाते जाएंगे तो वो आगे आगे जाता जाएगा, तो मुझे क्लिक नहीं करना पड़ रहा, देखो ठीक बैक आना तो बैक आ सकता हूँ, आगे जाना तो आगे जा सकता। इजी हो गया ना, क्योंकि क्लिक तो गलत जगह पे भी हो सकता है, अगर मैंने क्लिक गलत जगह पे कर दिया तो वो उसको छोड़ के अगली बनानी शुरू कर देता है। ठीक है। तो इसको कैंसिल कर दो तो वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो वो एक स्टेप पीछे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे 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 जाएगा, इससे पीछे 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 पीछे। ठीक एक और है हमारे पास पार्शियल। पार्शियल का क्या मतलब है कि कहाँ से शुरू हो के कहाँ तक, बीच वाली सारी चीजें अपने आप सेलेक्ट कर ले, द स्टार्टिंग ठीक है। पॉइंट बताओ, एंड पॉइंट बताओ, बीच में अपने आप चेंज ले ले, यानी अगर कि अगर हाँ मान लो बीच में ब्रेक हो तो तो फिर फिर वो वो पाप हो सिर्फ जाएगा, वहां ब्रेक रुक तक ही जाए, जाएगा, नहीं वो रुक जाएगा वहां ब्रेक तक वहां। रुकेगा, हाँ हाँ फिर वो ढूंढना पड़ेगा कि हाँ क्या नहीं क्या है, किसमें वो फॉल्ट नलायकों के लिए बना ही नहीं है मास्टर गेम। मास्टर है। गेम वाले सोचते हैं बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। क्रियो, एक सॉफ्ट ट्रैक क्रियो सुना आपने? हाँ मैंने मैंने पीटीसी भी किया हुआ था, फिर उसका हाँ नाम क्रियो हो पीटीसी। गया। मैंने हाँ पीटीसी में किया था हाँ तो जब मैं पीटीसी इंजीनियरिंग करा था है, ना, तब से ही। वो और ज्यादा सोचते हैं, उस हाँ टाइम होता ही वही था। अगर मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया ये डायरेक्शन इधर मूव कर लिया, और एंड पॉइंट बताया मैंने कहा ये, तो वो बीच वाली अपने आप लेने की कोशिश करेगा, अदरवाइज आप रेड बता दो, रेड बता दो। ठीक, ठीक। तो चेन में क्या है, वो अपने आप ढूंढता है। ठीक है, जहां पे दो रास्ते आते हैं फिर वहां पे उसको समझ में नहीं आता, चेन अपने आप ढूंढता है। और पार्शियल में स्टार्टिंग पॉइंट बताओ नॉन और कहां तक जाना है पॉइंट वो। ठीक
रेड रेड करते जाओ पिछले। एक यहाँ पे ऑप्शन है बॉक्स की, विंडो, बॉक्स नहीं विंडो। विंडो ज्यादा अच्छा अक्षर, विंडो। विंडो में क्या है कि आपको टॉप व्यू करके ऐसे एक विंडो बनाई, ऐसे एक विंडो बनाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने माउस का लेफ्ट बटन दबा रखा है, ठीक है, अभी मैंने दबाया हुआ है, मैंने छोड़ा नहीं है, एक क्लिक यहाँ किया है, एक क्लिक अभी छोड़ा नहीं है मैंने। पर ध्यान से दिखाना मैं क्या चाह रहा हूँ कि कुछ लाइनें इस विंडो के अंदर है, कुछ अच्छा लाइनें विंडो के बाहर है, कुछ आधी अंदर है आधी बाहर। तो जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो पूछेगा स्टार्टिंग पॉइंट बताओ, तो मैंने कहा जी स्टार्टिंग पॉइंट ये, तो जो भी उस विंडो के साथ टच कर रही थी वो सारी सिलेक्ट। पार्शियल भी हो उसके साथ है, मतलब हाँ विंडो के थी अंदर हाँ बाहर। तो जो आधी थी वो आधी सिलेक्ट हुई, पर अगर वो किसी साथ जुड़ रही होगी तो वो आगे जाएगी। मतलब विंडो में क्या है कि जितनी विंडो मैं बना दूंगा, स्टार्टिंग पॉइंट बता दूंगा, तो उतने सिलेक्ट। ठीक है। और सर सर जब अभी ये विंडो बनाई और हमने सिलेक्ट किया, जो आधी बार थी, अगर मान लो उस पर्टिकुलर कूलर को हमने डीसेलेक्ट करना है, अनसेलेक्ट करना, तो वहां पे क्लिक करना पड़ेगा या कैसे करना पड़ेगा सर? अगर मैंने कोई चेन सिलेक्ट करी है मान लो, तो उसका कैंसिल कर सकता हूँ मैं। और वैसे तो मैंने भी कभी सोचा कि अगर मैं, जो आधी बार है उसको, हाँ जो जो उसको ऊपर मैं जो यहां राइट, से देखो, अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन है नहीं, देखो एक मिनट, शिफ्ट दबा के अगर मैं, नहीं ऐसे नहीं छोड़ सकता। जैसे अच्छा वो अगर मैं, वाई वाई सुनो को तो भी सही, कर सुनो लो। तो सही जल्दी, हाँ ये ज्योमेट्री है ना, इस ज्योमेट्री में 20 आ रही है, तो यहां से मैं डिलीट कर सकता हूँ जो आपको नहीं पसंद। अच्छा जैसे ये 9 नंबर नहीं चाहिए, इसको राइट क्लिक करके डिलीट। ठीक। मतलब सिलेक्शन के टाइम मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता, पर मैं ज्योमेट्री के टाइम चेंज कर सकता, अच्छा ठीक है, ये ज्योमेट्री के अंदर जाके जो एक्स्ट्रा होगा उसको राइट क्लिक करके डिलीट। ठीक। ठीक है, अब जब मैं ऐसे विंडो बनाता हूं ना, जब मैं कंटूर लेके जब ऐसे विंडो बनाता हूं, तो कुछ अक्षर भी सिलेक्ट हुए जा रहे हैं, तो ये टेक्स्ट भी हो गया सिलेक्ट। मुझे कुछ चीजें छोड़नी है, तो यहाँ पे पॉलीगनल ले लो, पॉलीगनल। पॉलीगनल में क्या है कि जहां जहां मैं जाता जाऊंगा वहां वहां ओके पॉलीगन बनता जाएगा, तो आप अक्षरों को छोड़ दो। ठीक है, तो टेक्स्ट नहीं आया, एंटर करो ठीक और स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। तो विंडो से थोड़ा सा प्रिसाइड प्रिसीजन हो गया, पर विंडो में क्या था बताना, 2 पॉइंट देने पड़ते थे, इसमें पॉइंट ज्यादा देने पड़े आपको, जिस जिस रास्ते पे जाना है वहां वहां जाके आपसे। ठीक। कमल जी को ये काम भी करना पड़ सकता है, ये ट्रॉफी है, ट्रॉफी नहीं देते हाँ बच्चों जी, को, हाँ वो ट्रॉफी है जी, वो, तो वो भी लकड़ी पे ही बनती है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हमारे को चेन समझ में आ गया, हमारे को पार्शल समझ में आ गया, हमारे को विंडो समझ में आ गया, हमारे को पॉलीगन समझ में आ गया, हमारे को सिंगल कर्व समझ में। ठीक है, उसके बाद है पॉइंट।
पॉइंट क्या है कि कहीं पे भी मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वो पॉइंट ऐड होता जा रहा है, जैसे ड्रिल ड्रिल हो गया, कुछ हो गया, तो ओके उन पॉइंटों पे चला गया। पॉइंट क्या बताऊँ, मतलब आपको टूल चलाना है, मैं सही तरीके से सिखाती हूँ। मुझे टूल चलाना है तो मैंने लाए, मतलब मैं चाहता हूँ पहले यहाँ आ जाए टूल, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, शॉर्टेस्ट पाथ। या बिल्कुल एग्जैक्ट सही दिमाग में आई एग्जाम्पल, के कोई कहता ऐसे कर, तू इतना कौन मेहनत करेगा, तो ऐसे कर इसको यहां से काट दे, यहां से लेके यहां तक काट दे, और फिर यहां तक काट दे, फिर यहां से आके इतने पोस्ट ले, फिर यहां से आके इतने कर ले, तो ठीक वो टूल जाएगा इधर से ठीक ऐसे काटता हुआ। ठीक है, वो लेफ्ट राइट कर सकते हैं हम, और ऐसे ये बता फालतू का मुझे काटना नहीं पड़ेगा, मतलब मैंने किनारे उड़ा दिए बेसिकली, थोड़ा ठीक है सा इसकी कंपनसेशन ठीक करनी चाहिए। फिर वो थोड़ा सा पॉइंट देखने पड़ेंगे कहाँ क्लिक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है एक और, एरिया। एरिया का क्या मतलब है, अब जैसे इनको एक एक करने की बजाय इसके अंदर क्लिक कर दो, इसके अंदर, इसके अंदर, ओके इसके अंदर, इसके अंदर, ये भी बड़ा अच्छा है कि मुझे एक एक को ढूंढना नहीं पड़ा, ठीक है ठीक जिस एरिया के अंदर मैं क्लिक कर दूंगा वो वाला एरिया जो है सिलेक्ट। पर ये ओपन प्रोफाइल में काम नहीं करेगा, क्लोज प्रोफाइल होगी तभी काम करेगा। ठीक है ठीक एरिया तो क्लोज ही होता है ना, ओपन एरिया नहीं होता, समझ रहे। कोई भी क्लोज एरिया के अंदर क्लिक करूंगा तो वो एरिया जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और पॉलीगन है और विंडो वाली अभी जो हमने यूज की थी वो ओपन एरिया भी ले लेती है, क्योंकि मैं ये हाँ नोटिस कर रहा हूँ कि जो अभी आपने एरिया वाला सेलेक्ट किया ना, तो उसमें सिर्फ एक लास्ट में ग्रीन कलर का एरो आता, लेकिन वो हाँ जो पॉलीगन या विंडो वाली करते हो तो उसमें रेड भी आता है, ग्रीन हाँ भी आता है, ओपन भी ले लेता है। ठीक है हाँ वो सही है वो बात। एक ये है वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या होता है, दिशा है ना, तो जिस वेक्टर पे क्लिक कर दूंगा, अब ये वेक्टर कहाँ कहाँ जा रहा है वहां वहां जाके एंटर दबा दो, तो जिस जिसके ऊपर से गया ये, तो अच्छा उसने महाभारत में एक कोई योद्धा है जिसने यहां से तीर चलाया, लक्ष्य भेद ही कहते हैं इसको, कि इन सब लक्ष्य को काटता हुआ था एक बंदा, मेरे को नाम नहीं अभी याद आ रहा, महाभारत में बर्बरीक था शायद, बब्रिक उसके पास एक तीर था कि वो जिस चीज को, मतलब जिस चीज को लक्ष्य को सोच लेगा वो सारे। हाँ वो फिर एक पत्ता था आई थिंक, वो कृष्ण जी के हाँ पैर के हाँ नीचे वो चुबा हाँ लिया। उसी की वजह से हाँ कृष्ण जी की बात था, वो ऐसा तीर था ना, वो अगर एक बार चल जाता तो वो जिसकी साइड भी होता उसके सारे दूसरी साइड के ऑपोजिट वाले सारे लक्ष्य भेद के उन्होंने बाहर खत्म हो जाती कहानी एक ही तीर उन्होंने में। पहले चलवा हाँ उसे लिया चलवा, ये उन्होंने चलवा लिया बड़ा खतरनाक है।
मैडम कहेंगे कहा माहवार गोली लग। अब मैडम चूज ही गलत लाइन कर ली मैकेनिकल वाली। अच्छा अभी तो हम सभ्य रहते हैं थोड़े आपकी वजह से। चलो जो भी ठीक है समझ आ गई बात। तो कंटूर मेरे को वेक्टर समझ आ गया, मेरे को सिंगल पॉइंट ये सब आ गए इसमें है ना। ये आगे का आ गया या पीछे का भी आ गया है ना। तो ये अगर मैंने चेन ले ली तो मैं ग्रीन वाले पे करूंगा तो ये ग्रीन आगे हाँ ग्रीन होता है, को ठीक है। ग्रीन पीछे करना है तो ग्रीन पीछे कर लो, रेड आगे करना है तो रेड आगे कर लो, डायरेक्शन चेंज करनी है तो रिवर्स कर लो, ठीक हो गया। ग्रीन वाली साइड से चल के रेड वाली साइड जाएगा टूल। ये क्या है, ये है डायनेमिक।